गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ईवीएस सब्जेक्ट. टेक आउट पेज नंबर 15, चैप्टर नंबर 4, फूड वी ईट. फूड मतलब पता है जो हम लोग भोजन करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम खाते हैं, उसको एक शब्द में, उस पर्टिकुलर एक वर्ड में उसको फूड बोलते हैं. और फूड वी ईट यानी कि हम कौन कौन से फूड खाते हैं उनके बारे में ये चैप्टर है. तो स्टार्ट करते हैं. वी ऑल नीड फूड टू लाइव. देखो बेटा, हमें ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? फूड की. हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है. फूड हेल्प्स अस टू ग्रो. फूड हमें क्या हेल्प करता है? ग्रो करने में. क्योंकि हम पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े और बड़े, तो बड़े होने में हमको हेल्प कौन करता है? फूड हमें हेल्प करता है. इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. इससे हम क्या बनते हैं? स्ट्रॉन्ग बनते हैं. किससे? फूड से. और हेल्दी यानी एकदम स्वस्थ रहते हैं. तो हम स्वस्थ और एकदम स्ट्रांग बनते हैं, ताकि हमारी बॉडी एकदम स्ट्रांग हो जाए और हम आसानी से चल फिर सके और अपनी बॉडी का ध्यान रख सके. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. फूड जो है हमें क्या देता है? गिव्स यानी देना. क्या देता है हमें? एनर्जी देता है. किस चीज़ के लिए देता है एनर्जी? काम करने के लिए और खेलने के लिए. वी ईट मैनी टाइप्स ऑफ फूड. एज हम लोग बहुत टाइप्स के फूड्स खाते हैं. एज अ चपाती, रोटी खाते हो, दाल, मिल्क, ब्रेड, बटर, कर्ड, ब्रेड बटर जो होता है ना, ब्रेड एंड मक्खन, दूध, दाल, रोटी और कर्ड यानी दही, एग्स, अंडे, फिश, मीट, नट्स, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं एक्सेट्रा. तो हमें ये सब खाने, सॉरी, वी ईट मैनी टाइप्स, हम बहुत टाइप्स के फूड खाते हैं अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, ताकि वो अच्छे से वर्क करे. ओके, वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. हम फ्रूट्स भी खाते हैं और वेजिटेबल्स भी खाते हैं. तो हम काफ़ी सारे फ्रूट्स खाते हैं. आपको जैसे पता होगा, पोमीग्रेनेट, पपैया, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, चीकू, है ना. और वेजिटेबल्स में पटेटो, कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, पम्पकिन, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा. ठीक है, तो वी ये सारे हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईट करते हैं. वी ईट 3 meals अ डे. मील्स का मतलब क्या होता है? कि 3 meals यानी 3 तरह के meals. कैसे? सुबह हम क्या करते हैं? मॉर्निंग में हम करते हैं ब्रेकफास्ट. उसके बाद में सेकंड होता है हमारा लंच, वो होता है आफ्टरनून में. और थर्ड होता है डिनर, वो होता है रात में. आप लोग भी 3 times खाना खाते हो. सुबह जब आप स्कूल जाते हो तो मिल्क, ब्रेड बटर या बिस्किट्स या पराठा कुछ भी ब्रेकफास्ट में खाते हो. फिर आप लंच करते हो घर जाने के बाद में. उसके बाद में आप लोग रात को जब डिनर करते हो तो वो डिनर हो जाता है. तो इसके बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट है ब्रेकफास्ट. वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट कब किया जाता है? मॉर्निंग के अंदर किया जाता है. लकी इज़ हैविंग हर ब्रेकफास्ट. लकी अपना ब्रेकफास्ट ले रहा है. शी इज़ हैविंग ब्रेड एंड बटर विथ प्रोड्यूस. हर ब्रदर अंकुर, उसका जो भाई है अंकुर, इज ईटिंग एग्स विथ कॉर्नफ्लेक्स. देखो अब उसका भाई क्या खा रहा है? एग्स एंड कॉर्नफ्लेक्स खा रहा है. दे आर आल्सो टेकिंग मिल्क. और दोनों ब्रेड बटर और ये एग्स और कॉर्नफ्लेक्स के साथ में दोनों क्या ले रहे हैं? सिमिलर चीज़ क्या है? मिल्क. तो दोनों उसके साथ में ब्रेकफास्ट में मिल्क ले रहे हैं. फिर आता है सेकेंड लंच. दूसरा मील कौन सा है? लंच. फर्स्ट है ब्रेकफास्ट. हाउ मेनी मील्स? 3 meals. फर्स्ट इज ब्रेकफास्ट एंड सेकेंड इज लंच. वी टेक लंच इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून के अंदर लंच किया जाता है. जैसे कि 12 o'clock हो जाते हैं ना, 12 p.m. के
बाद जो हम खाना खाते हैं दोपहर के अंदर उसको लंच बोलते हैं। लक्की इज ईटिंग चपाती। लक्की क्या खा रहा है? चपाती खा रहा है, दाल खा रहा है और वेजिटेबल्स भी खा रहा है एंड सलाद। देखो लक्की को क्या क्या पसंद है लंच में खाना? चपातीज, दाल, वेजिटेबल्स एंड सलाद। अंकुर इज ईटिंग राइस, दाल एंड वेजिटेबल। और अंकुर को क्या पसंद है? राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो लंच में आप लोग भी ऐसे ही करते हो, दाल लेते हैं, कोई वेजिटेबल्स लेता है, किसी को कर्ड पसंद होता है, किसी को राइस। तो एक तो होता है ब्रेकफास्ट और सेकेंड होता है लंच। फिर आता है नेक्स्ट थर्ड, थर्ड मील क्या है? डिनर। सबसे लास्ट में और रात के समय किया जाने वाला मील है डिनर। नाउ इट इज़ डिनर टाइम, वी ऑल टेक डिनर एट नाइट। ठीक है, रात को कर किया जाता है। लकी इज ईटिंग पराठा विथ वेजिटेबल्स। लकी ने क्या चूज़ किया? पराठा चूज़ किया वेजिटेबल्स के साथ पे डिनर में खाना। और शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कर्ड। अंकुर इज आल्सो ईटिंग चपाती विथ वेजिटेबल, ही आल्सो लाइक कर्ड। देखो दोनों ने अलग अलग चूज़ किया, इसने पराठा और वेजिटेबल्स और इसने चपाती एंड वेजिटेबल्स। और उनको क्या पसंद है? कर्ड यानी दही भी पसंद है। सोर्सेस ऑफ फूड। अब फूड हमें कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है? एक तो प्लांट से मिलता है और एक एनिमल्स से मिलता है। वन नंबर प्लांट्स और टू नंबर एनिमल्स, इन दो जगहों से हमें फूड मिलता है। वी गेट फूड ग्रेन्स पल्सेस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स। अब देखो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? ग्रेन्स, खूब सारी जो ये अनाज होते हैं वो, पल्सेस खूब सारी दालें, वेजिटेबल्स जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सारी प्लांट्स से हमें मिलती है। वी गेट मिल्क एग्स एंड मीट फ्रॉम द एनिमल्स। अब एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है? मिल्क, एग्स एंड मीट। दीज फूड आइटम्स हेल्प अस ग्रो एंड मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। ये सारे फूड्स हमें क्या क्या हेल्प करते हैं? ग्रो करने में यानी बड़ा होने में भी हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मिल्क इज कम्प्लीट फूड। मिल्क एक तरह से एक कम्प्लीट फूड है। कैसा फूड है? कम्प्लीट फूड। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।